याद है इनकी सरकार लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी में चुनावी सभा लेने छतरपुर में आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही प्रभात झा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी सफाई दी। भोपाल में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर चुनावी मुद्दों पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। नरेला विधानसभा में पार्टी के प्रचार का सिलसिला जारी है। यहां के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे विश्वास सारंग ने जनता से मिलकर बीजेपी के विकास को कार्यों को बताते हुए जनता से वोट की अपील की। नरेला में जनता ने पहले भी बीजेपी को तवज्जो दी है। वहीं विश्वास सारंग का कहना है कि जनता का स्नेह उन्हें पहले भी मिला है और इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होगा। विश्वास सारंग ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता देते हुए कहा कि जनता विकास को महत्व देती है और इसी वजह से नरेला की जनता एक बार फिर उनको अपना कीमती वोट जरूर देगी। हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ के प्रत्याशी हैं विश्वास सारंग बीजेपी से। उनकी मांग है कि तो अब की बार 205 सीट जो नारा लेके बीजेपी चल रही है उसमें विश्वास सारंग की अग्रणी भूमिका रहती है। विश्वास सारंग जी यहाँ से नरेला विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी आई, हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से क्या कहना है, यहाँ के लोगों का विकास के लेकर विश्वास सारंग क्या कहना है। विश्वास सारंग जी एक ऐसे नेता है जो हमेशा से पिछली जितनी विधानसभा में जितने भी दिन हैं, एक भी दिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया हो कि आराम किया हो। 18 घंटे 17 घंटे 19 घंटे लगातार क्षेत्र में रहे, हर एक घर में उनका परिचय, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एक ना एक व्यक्ति को वो नाम से नहीं जानते होंगे। इस तरह का नेता मैंने आज तक नहीं देखा। कार्यकर्ता का कहना है विश्वास सारंग जी हमेशा कर्मठ कार्यकर्ता रहे, लोगों की आवाज़ सुनी, उन्होंने लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया है। आइए बात करते हैं यंगस्टर्स, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या वो विश्वास सारंग पर विश्वास जता रहे हैं या नहीं।
जिस प्रकार विश्वास सारंग भैया ने इस क्षेत्र का विकास किया है उसे देखते हुए हम 20 सालों से उन्हें चुनते आ रहे हैं। जिस प्रकार रोज सुबह सुबह सफाई होती है, पहले नहीं होती थी जब कांग्रेस सरकार थी, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पूरा चमन बना दिया है। रोड भी बहुत बढ़िया कर दें, विश्वास सारंग जी ने बहुत ही अच्छा काम किया सेमरा के लिए। इस बार भी हम चाहते हैं कि भारी मतों से हम उन्हें विजय बनाए। तो कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता का साफ कहना है कि विश्वास सारंग ही उनकी पहली पसंद इस समय बने हुए हैं, वो विश्वास सारंग को ही वोट कर देंगे। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। निश्चित रूप से खेड़ापति बाबा मखदूम शाह भाई का पास जनता साथ में है और जनता का प्यार हमारे को मिल रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें।